मैंने खुदा का अद्भुत करिश्मा देखा है, मैंने बचपन को पल पल बढ़ते देखा है। कभी हंसते देखा, कभी रोते देखा, कभी किलकारी भरते देखा है, मैंने खुदा का अद्भुत करिश्मा देखा है। कभी आँखों का टिमटिमाना, कभी लबों पे मुस्कराना, कभी ठुमक ठुमक के चलना, कभी जमी पे गिरना, कभी मचलते, कभी बल खाते, कभी इतराते देखा है, मैंने खुदा का अद्भुत करिश्मा देखा है। प्रभु कृपा से ये दिन आया, खुशियों ने आंचल फैलाया, पुलकित है परिवार हमारा, खुल गया आज खुशी का पिटारा। खुशबू नाची झनन झन झन, मस्त मस्त आंचल महकाया, सरगम झूमी थिरक थिरक, गीतों का परचम फहराया। हर आने वाले मेहमान को गुनगुनाते देखा है, मैंने खुदा का अद्भुत करिश्मा देखा है। भोर सवेरे उठकर जब ऊपर से तू नीचे आती है, छम छम करती खुशियाँ बखेरती, गले से लग जाती है, नैनों ही नैनों में जाने क्या से क्या कह जाती है, लाख समझने पे भी समझ में कुछ नहीं आती है। तू कैसी पहेली, तू कैसी पहेली है, जीवन में न अकेली है, मैं तेरे बचपन का साथी हूँ, मैं तेरे बचपन का साथी हूँ, तू मेरे बुढ़ापे की सहेली है, तू मेरे बुढ़ापे की सहेली है। I personally believe that daughter is like a water, jal hi jeevan hai, so daughter is nothing but life. However, by saying that, I doesn't mean to say that son is a sin, because I myself was a son, but that soft touch, you know, that emotional touch is a little special about girls. I still remember when Aisha was born, she was my first child, I was very nervous. As a mother, how the motherhood going to be for me? What kind of mom I'm gonna be? I genuinely believe a mother is born when a baby is born. She actually taught me what it is to be a mom. जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे घर में एक लक्ष्मी पैदा हुई है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सही कह रहे हो। जब मैंने पहली बार उसे गोद में उठाया, तो उस समय मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैंने कोई लक्ष्मी मेरे हाथ में है। इतनी सुंदर प्यारी सी देखकर दिल मचल जाता था, दिल करता था कि 24 घंटा मैं इसे अपनी गोद में लेते हुए मुस्कुराता रहूं, खेलता रहूं, देखता रहूं। हमें बहुत प्राउड फील हुआ कि हम एक पोती के दादा दादी बन गए हैं। When Naisha and Sayona came into my world, they really brought lots and lots of happiness, tenderness, and good changes. When it comes to Naisha and Sayona, and when I want to say anything about them, it makes me very, very emotional. If I talk about Naisha, she since the beginning has been very obedient, very sincere. She is very artistic and creative like her mother. When she was 8, she gave me that nostalgic feeling when she performed in front of 1,000 people at Shri Fort Auditorium as the lead anchor. जब मेरी पोती ने स्पीच दी तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। मैं अक्षमाक्त हो गया देखकर कि मेरी पोती इतना सुंदर बोलती है, इतनी बेहतरीन स्पीच देती है। तब मुझे उसकी क्वालिटी का मालूम पड़ा। That was the emotional moment for me because in my childhood days, I also used to perform like the same. लोग कहते हैं कि हमें पोता चाहिए, लड़का चाहिए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ऐसी क्या खासियत होती है लड़के में जो लड़की में नहीं हो सकती। कितनी सुंदर उनकी हैंडराइटिंग है, उनकी ड्राइंग देख लो आप दंग रह जाएंगे। जो हमारी छोटी पोती है वो इतनी नटखट और इतनी चंचल है, भगवान कृष्ण की तरह ही एक्टिंग करती है। और नाइशा कितनी शांत स्वभाव की है। सयोना बहुत चंचल है और उसको मालूम है कि मैं तेज़ आवाज़ से डर जाती हूँ, तो वो जैसे ही स्कूल से आती है धीरे से आके हौंक करके एकदम दादी बोलती है और मैं वास्तव में चौंक जाती हूँ। तो बहुत खुश होती है, बड़ा हंसती है,
फिर नाइशा आके करती है वही काम, तो कहेगी है दीदी मैं कर चुकी, ये तो दादी को डरा चुकी, अब आप रहने ही दो। तो वो बेचारी अच्छा कोई बात नहीं दादी कोई बात नहीं, तो वो चुप हो जाती है, वो पेशेंस बहुत है उसके अंदर। शी इज़ वेरी सेंसिटिव वेरी इमोशनल एंड शी इज़ सुपर सुपर केयरिंग बिकॉज द वे शी टेक्स केयर ऑफ मी इफ आई एम नॉट वेल और समथिंग इज आई थिंक इवन गौरव कांट टेक इट। एक्चुअली दे आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल, दे जेल लाइक एनीथिंग। I mean, whether it's a Diwali festival or whether cheering for any other festivities, they are best of the friends. They are the best team actually, I should say. Sayona is a complete live wire. She is my cutie pie. She is the one whom I want to cuddle every night before going to bed. We spend lot of bedtime stories together. We spend lot of time together, and time spent with them is always a time well spent. I think I can only say that agar ghar mein masti ka hai har kona, it can only be possible if there is Sayona. Very well said. She is the one who just run towards me, she hugs me and she says, Papa, how was your day? And she has a lot of stories to tell about her school and the other friends and all. I still remember when Sayona started going to her play school, she was appreciated by each one of her teachers, not just her class teachers, but the whole school staff. And similarly was with Naisha when she was in her play school or even in her formal school also. They both are very well appreciated by everyone, by her teachers, by her peers. They have made lots and lots of lovely, beautiful, very loving friends. And I feel really blessed that my children are so lucky to have such wonderful people around them, and they get so much love and appreciation from each one of them. But having said that, I would not miss this opportunity to mention that they are the most notorious ones also. They can really, really keep me on my toes. They trouble me like anything. Though they are very independent, but for small things they are dependent on me, which is quite an irony of my life. Saat samandar paar se gudiyon ke bazaar se achhi si gudiya lana, gudiya chahe na lana, pappa jaldi aa jana, पप्पा जल्दी आ जाना। माशाल्लाह क्या गाया है, बड़ी सुरीली आवाज है भाई। आपको पता है जब आप टूर पे जाया करते थे तब मैं गौरव को यही पोएम सुनाया करती थी और वो बहुत जल्दी खुश होके सो जाया करता था कि पप्पा आने वाले हैं। और अब जब गौरव टूर पे कहीं जाते हैं तो मैं अपनी दोनों पोतियों को यही सुनाती हूँ, तो वो बहुत खुश होके और बहुत जल्दी रिलैक्स होके सो जाती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पोतियों को इतनी सुरीली गाने वाली दादी मिली है। सबसे ज़्यादा तो दोनों बच्चों में क्या है कि वो मेरा मोबाइल नहीं छोड़ती हैं। इतनी ज़्यादा इन लोगों को क्रेज़ है मोबाइल का कि बस दादी वो छुपती फिरती हैं कि कब दादी इधर उधर हो और हम अपना इसका मोबाइल उठा के ले जाएं। और वो मोबाइल पे पहले तो बहुत देर तक खेलती रहती हैं, उसके बाद वो अपना स्टोरी सुनती हैं उसमें, और कभी मुझे पता ही नहीं चलता वो अपने कज़न ब्रदर को कनाडा कॉल भी कर लेती हैं वीडियो कॉल और उससे बातें करती रहती हैं। तब मुझे पता चलता है जब मैं बाहर जाके देखती हूँ कि अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, देखा तो दोनों अपने कज़न ब्रदर से बात कर रही हैं। उसका नाम रियान है और बहुत तीनों मस्ती करते हैं उस पर। दीदी आपको बर्थडे आने वाला है, जल्दी से डांस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। छोटी सयोना 5 साल की हो गई है, उसका जून में बर्थडे आता है, तो लेकिन सब उन समय आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो उसका बर्थडे नहीं मना था। तो नाइशा ने कहा कि तू डोंट वरी, मेरे बर्थडे पे ही तुम्हारा बर्थडे भी हम मनाएंगे। उसने कहा नहीं दीदी कोई बात नहीं, मेरा नहीं मना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा नहीं नहीं कैसे नहीं फ़र्क पड़ता, हम दोनों एक साथ मनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़न करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग हमें दोनों को इकट्ठा विश करेंगे।
उसने कहा ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो इस वजह से हमने दोनों का इकट्ठे बर्थडे मनाया। आज मेरा परिवार इन दोनों बच्चों पे बहुत नाज करते हैं। गाएंगे हम तुम एक प्यारी सी धुन, छेड़ेंगे खुशी का तराना। हैप्पी हैप्पी बर्थडे ओ नैशा, नैशा तुम हो खुशियों का खजाना। हैप्पी हैप्पी बर्थडे ओ नैशा। सो आई विश बोथ ऑफ देम अ वेरी हेल्दी एंड अ हैप्पी लाइफ, एंड आई विश देम टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड टू ग्रो लाइक द वे दे बीन ग्रोइंग। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये जिंदगी में सफल हों, और आज का दिन इनके लिए बहुत बहुत मुबारक है, और मैं इनको जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू। एंड आई थिंक दिस इज हाउ आई वांट टू कंक्लूड दैट विदाउट देम वी आर इनकम्प्लीट एंड दे आर एवरीथिंग टू अस। एंड एज वी आर मेकिंग दिस एवी टुडे, आई वुड लाइक टू थैंक एवरी पेरेंट हू've joined us for this celebration. It's my personal belief that we should try to give this kind of wow moment to our kids, because it's the moments that we are giving to them that they will cherish for their lifetime. It's the memories that will count basically. After 10 years down the line, when they'll grow up, when they'll go to the other home, or maybe when they'll be striving to achieve something in their careers, and then they'll look back, you know, how they spent their 10-ish or 5-ish, they'll say that, mom and dad, you've done a good job. So I to all the parents, love right now. This is a time when you need to love your kids, you know, cuddle with them, hug with them, grow with them, act with them, eat with them, spend as much time as possible, because once they're grown up, then they are an individual of its own. So this is the time. And made it more special for Naisha and Sayona. You gave them lots of blessings. You gave them your love. We are really thankful to each one of you. वाकई में मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आकर इस ओकेजन को इतना सुंदर और इतना मेमोरेबल बनाया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ न्यू एसोसिएशन विद मिस्टर गोस्वामी, बट आई एम रियली रियली डिलाइटेड द वे ही हैज कंडक्टेड द होल शूट टूडे। ही हैज स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी विद अस। दे मेक अस फील सो कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। They are not in hurry, that's the best part. And really, Goswami ji is really a wonderful, wonderful person, a gem of a person to work with. I really want to give two thumbs ups to them. As Shana said that Suraj ji is a thorough professional, I agree with disagree, because not only is he a thorough professional, but on a contrary, he becomes your family member in switch of a second. Yeah. And totally the ideas that he have is so innovative. I mean, with kids, shooting with kids throughout the day, with my father, who's a 72-year-old man, and he has so much of patience. I mean, patience and that too with a smile on his face. Yes, absolutely. I must say that. Hats off to the team. Vincent Media rocks, I must say that.